यदि जल्प ना कर सुयस नासे, जल्प ना करने से अपना सुयस नष्ट होता है। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, सुनो कौन कौन से। एक वो होते हैं जो कहते नहीं है करके दिखाते, वो होते हैं कटहल के समान, क्योंकि कटहल के वृक्ष में फल लगता है फूल नहीं लगता। एक वो होते हैं जो कहते भी हैं और करके भी दिखा देते हैं, वो होते हैं रसाल आम के समान, क्योंकि आम के वृक्ष में फल और फूल दोनों ही लगते हैं। किंतु एक वो होते हैं जो कहते ही कहते करके दिखा पाते, वो होते हैं गुलाब के समान। हे दशानन, आप गुलाब के समान हो, बस कहीं कह सकते हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ दिखा सकते। मुझे इस समय ज्ञान क्यों दे रहे हो, मोह सिखावत ज्ञान, पैर करत तब नहीं धरे अब लागे भी प्राण। जब के घर चले तो बिल्कुल ना हाय की, और अपने ऊपर आवी थी तो सूझी उपाय की। ये उपाय का समय नहीं है, उपदेश का समय नहीं है, आओ मैं युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। आप सब सेना को संभालें और दशानंद से द्वंद्व युद्ध दे। तुमसे मारना चाहता है जो प्रभु की शरण में है, जिसके ऊपर प्रभु का वरदान भासता है, तू उसे मारना चाहता है। अरे अब तक तो तू बहुत बचता रहा, लेकिन आज तू निसंदेह बिल्कुल नहीं बचने पाएगा। आया उपदेश देने वाले, जा चूड़ी वाले हाथों में भी कई रक्त का रक्त जमाया है। अरे देख तो जैसे तू कर खोरों में भी कई शस्त्र उठाया है। आज मैं तुझे वो करके दिखाऊंगा क्या तूने सोचा भी नहीं होगा। बात क्यों बना रहा है, क्या हुआ? अरे तो पहला ही बार हुआ है मेरा, धूल चाट गया। तू चाटता रहे धूल, हम तो चटाने वाले हैं। हराम बार बार ऐसा नहीं है, बात ये है। अब मैं समझ गया इसका अंतिम समय आ गया है। इसकी इसकी नाभि में अमृत का कुंड है भगवान। आप अपने घरों पर एक साथ 31 बार दस बाणों से इसके दसों मस्तक, 20 बाणों से 20 भुजा और एक अग्नि बाण नाभि कुंड में जो अमृत है उसका शोषण करने के लिए मर जाएगा। बता गया कहो मायावा। आपकी कुंड में कुंड है, मतलब वो सरकार कह रहे थे कि आपकी नाभि में अमृत का कुंड है। हाँ। तो आपका तो समय आ ही चुका है, हमको मिला जाओ। तुझे खबर होना चाहिए, हम फिर आगे काम आएंगे। मेरा समय पीछे आएगा, अपने से पहले तुझे भेज दूंगा मैं। मैं रजिस्टर को बंद करूंगा ना। पता गया, मेरे भेदों को पता गया। खैर कोई चिंता नहीं, पर छोड़ूंगा नहीं। ठहर जाओ तपस्वा। मुक्त हो गया। आप सब बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए, आप सब खड़े हो जाए।